हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मृदुला सक्सेना। आज बनाते हैं भरमा टमाटर। इसके लिए मैंने प्याज काट ली है और कुछ प्याज पीसते हैं और इनको भी खाली कर लेते हैं। फिर फ्रेंड्स, इसमें जीरा डाल रही है। जीरा हो गया है, अब इसमें ये सौंफ डाल देंगे। देखिए, सौंफ भी चटकने लगा है और इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। ये पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 चम्मच बेसन है, ये भी डाल देंगे इसी समय। ये प्याज हमारी अधभुनी हो गई है, इसको भी भून लेते हैं 1-2 मिनट। देखिए, बढ़िया खुशबू आने लगी है इसकी। बहुत अच्छे से बेसन भून गया है इसमें। इससे थोड़ा सौंधापन का स्वाद आ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और इसमें फिर डाल देंगे ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। इसी समय डाल देंगे हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर 2 चम्मच। ये इसी के पानी में अच्छे से भून जाएगा, नमक स्वाद अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर इस तरह से काट लेंगे ऊपर से और इसका ये ढक्कन निकाल लेंगे। ये इसके बीच का पार्ट भी निकाल लेंगे इस तरीके से ये, और इसका रस भी निकाल देंगे और बाद में ये ढक्कन लगा देंगे। अब ये मसाला हमारा तरह से भरते जाएंगे। ये जो इसका टमाटर के अंदर का रस निकला है, वो भी इसमें डाल देंगे। इसी रस में हमारे सारे टमाटर पक जाएंगे। हमारे सारे टमाटर उसी रसे में पक जाएंगे, इनको हम ढक दे रहे हैं। देखिए, टमाटर हमारे भरमा तैयार हैं। देखिए, खूब अच्छे गल गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे भरमा टमाटर।